आरआरबी CVT 2 के कट ऑफ को लेके सभी लोग परेशान है। कोई बता रहा है इतना जा रहा है, कोई बता रहा है उतना होगा, कोई बता रहा है बहुत सारे कुछ बताया जा रहा है। लेकिन इसके लिए आपको जानना जरूरी ये है कि टेक्निकल लाइन में जो होता है, टेक्निकल लाइन में हमारा कट ऑफ कितना जाता है। आप अगर SSC के अगर JE की बात किया जाए, आप देखेंगे कि वहाँ पे 500-600 या फिर 700 करके वैकेंसी सारे निकलता है, और वहाँ पे सिलेक्शन जो है 1000-1200 करके जो है कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाता है। एंड वहाँ पे आप देखेंगे हर जगह पे जो है कि हर बार जितने भी बार एग्ज़ाम हुआ है, हर PVS के कोई भी एग्ज़ाम चाहे आप उठा लीजिए, सारे में आप कट ऑफ देखेंगे, सारे में कट ऑफ आपका 70 जो है 65 से लेके 70 के आसपास ही जो है कट ऑफ रहा है। यानी कि जो आपका JE है, ये JE भी आपका टेक्निशियल जो है पोस्ट है, यहाँ पे टेक्निशियल लाइन के ही होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे टोटल आपकी वैकेंसी की अगर बात की जाए तो ये 13,000 के प्लस 16 बहुत जो है यहाँ पे वैकेंसीज हैं। एंड यहाँ पे टोटल जो कहा गया है नोटिफिकेशन के अनुसार जो है 1.5% को जो है ज़्यादा को जो है यहाँ पे DV के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि टोटल 20,000 प्लस बच्चे को जो है आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पे अगर कट ऑफ की अगर बात किया जाए, टोटल आपका 150 मार्क में एग्ज़ाम हुआ है। अब 150 मार्क के अगर आप 60% या फिर 70 अगर अच्छा भी होता है तो मैं मानता हूँ 70% मैक्सिमम जो है 70% ही जाएगा, इससे ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाने वाला है। आप 70 या फिर आप मान सकते हैं 75, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 75 होगा, इससे बाहर आपका जो है कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, इससे ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। क्योंकि जो है टेक्निकल लाइन आपका एग्ज़ाम जो हुआ था, ये CBT 1 का जो है रिज़ल्ट पब्लिश करने के 15 या 20 दिन के बीच में ही जो है ये CBT 2 कंडक्ट कर दिया गया था, तो यहाँ पे बच्चे को ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला है था प्रिपरेशन करने के लिए, तो कट ऑफ इतना हाई भी नहीं जाएगा। तो आप उम्मीद करिए कि 70 के पास ही जो है इसका कट ऑफ रहेगा। तो अगर इसका हम 70% निकालें, 150 का अगर 70% हम निकाल लें तो ये आ जाएगा कितना, 105। यानी कि आपका जो कट ऑफ होगा ये 90 से लेके 105 या फिर आप कह सकते हैं 95 से लेके आपके 105 के आसपास ही रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे नीचे जरूर नम सकता है लेकिन इससे ऊपर मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी मैंने यहाँ पे देखा है, चाहे SSC के देख लीजिए या फिर आप चाहे कोई भी टेक्निशियन लाइन के एग्ज़ाम का देख लीजिए, वहाँ पर कट ऑफ जो हमारे खास करके टेक्निशियल लाइन में, मैं और किसी भी लाइन में नहीं कह रहा हूँ, टेक्निशियल लाइन में जो है कट ऑफ थोड़ा बहुत कम ही जाता है। टेक्निशियल लाइन में कभी भी आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेपर अच्छा निकाल के दिया है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो इतना ही, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।